क्वेश्चन क्वेश्चन से टू सोर्सेज पी एंड क्यू प्रोड्यूस नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज ईच. अ लिसनर मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. इफ स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड देन द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाय द लिसनर पर सेकेंड विल बी. और हमारे ऑप्शन है 0, 2, 4 या 8. नाउ सिंपल सवाल है, बेसिक समझेंगे यहाँ पे. पहला सिनेरियो ये है कि ये आपका एक सोर्स है पी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो आपके वो एमिट कर रहा है वो है अपने को फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसकी 660 हर्ट्ज़, राइट, 660 हर्ट्ज़. दूसरा यहाँ पे आपका एक सोर्स है क्यू और ये यहाँ पे ऐसे आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ वही सेम 660 हर्ट्ज़ आपकी फ्रीक्वेंसी है. अब ये जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग है इनके बीच में एक आपका ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्वर ऐसे बना लेते हैं इसको, ये ऑब्जर्वर है वो इधर 1 मीटर पर सेकेंड से पी से क्यू की तरफ भाग रहा है. सवाल ये इसको कितनी बीट सुनाई देंगी. नाउ यहाँ पे आपको दो बार डॉपलर इफेक्ट लगाना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा. नाउ इसकी वेलोस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ड्यू टू सोर्स पी इसकी वजह से वो आएगी क्योंकि ये इससे दूर जा रहा है. इसको आप यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी माइनस नहीं प्लस वी ऑब्जर्वर डिवाइड बाय वी माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाय एफ. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करेंगे. सो अब यहाँ पे क्योंकि आपका ऑब्जर्वर जो है ये आपका ऑब्जर्वर है ये इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी वी नॉट की वैल्यू आप -1 यूज़ करेंगे. सो एफ डैश ड्यू टू पी विल बी इक्वल टू 330 -1 डिवाइड बाय 330 मल्टीप्लाइड बाय 660. अब ये 2 का फैक्टर है, ये वाला बचेगा 329, तो आपकी एफ पी डैश जो आएगी ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 329, ऑलराइट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9856 658 हर्ट्ज़, राइट. सिमिलरली अगर हम क्यू की वजह से देखेंगे तो यहाँ पे आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी एफ ड्यू टू क्यू एफ डैश ड्यू टू क्यू वो होगी क्योंकि अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो ये वी की वैल्यू वी ऑब्जर्वर की वैल्यू हम +1 यूज़ करेंगे. सो ये हो जाएगा 330 +1 डिवाइडेड बाय 330 मल्टीप्लाइड बाय 660. तो यहाँ पे एफ डैश क्यू की वैल्यू हो जाएगी 331 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी कि 662 हर्ट्ज़. नाउ इसको जो आवाज़ यहाँ से सुनाई दी और यहाँ से जो आवाज़ सुनाई दी तो आपकी जो बीट होएगी तो बीट विल बी इक्वल टू एफ क्यू डैश माइनस एफ पी डैश, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो आ जाएगा आपका 662 माइनस 658 यानी कि 4 बीट्स पर सेकेंड आपको यहाँ पर सुनाई देंगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 4 वुड बी द राइट आंसर.